बैंक खाते से पैसे कट गए लेकिन दूसरे के खाते में नहीं पहुंचे, तो क्या करें? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम कपिल जाखड़ है और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सोशल। वर्तमान समय में हमारे ज़्यादातर काम ऑनलाइन ही होते हैं। डिजिटल होने के कारण पैसों का लेन देन भी ऑनलाइन ही किया जाता है, लेकिन कई बार हमारे सामने समस्या आती है कि हमारे बैंक से पैसे कट जाते हैं तथा हम जिसको भेजना चाहते हैं उस तक वो पैसे नहीं पहुंच पाते। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? आज इसी सवाल का जवाब जानते हैं। क्या कारण हो सकते हैं? सबसे पहले जानते हैं कि इसके क्या कारण हो सकते हैं। बैंक खाते से पैसे कट जाने के बाद हम जिसको भेजना चाहते हैं उसको पैसे ना मिलने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि पैसा भेजते समय नेटवर्क की समस्या के कारण या बैंक की तरफ से कोई तकनीकी खामी होने के कारण पैसा आपके खाते से कट जाता है तथा दूसरे के खाते में नहीं पहुंचता। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? अगर आपके खाते से भी पैसा कट जाता है तथा लाभार्थी तक नहीं पहुंच पाता तो इसमें घबराने की बात नहीं है। कभी कभी ऐसी समस्या आ जाती है। ऐसी स्थिति में बैंक द्वारा लगभग 2 से 3 दिन में आपका पैसा आपके खाते में वापस भेज दिया जाता है। अगर किसी शॉप पर UPI पेमेंट फेल हुआ है तो इसका सेटलमेंट भी 6 दिन में हो जाता है। अगर ग्राहक के अकाउंट से पैसे कट गए और ATM से कैश नहीं निकला तो अगले 5 दिन में यह पैसा आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। इसके साथ ही जब भी आपके खाते से पैसे कटते हैं तथा लाभार्थी तक नहीं पहुंचते, आपको अपने बैंक के कस्टमर केयर से संपर्क करके इसकी जानकारी देनी चाहिए। इसके साथ ही आप ये भी चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपने गलती से किसी और के खाते में तो पैसे नहीं भेज दिए हैं। अगर आपने सही लाभार्थी को पैसा भेजा है तो आप उनको अपने बैंक खाते में पैसा चेक करने को कहें। इसका कारण यह है कि काफ़ी बार बैंक में पैसे आने के बाद भी किसी कारण से उनको मैसेज पर इसकी जानकारी नहीं मिल पाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार।